मुगलों के लिए लड़े तो योद्धा, अंग्रेजों के लिए लड़े तो देशभक्त, और कोरोना में उन्हें लंगर बांटा, सब सुविधा दी तो देश प्रेमी। अगर अपना हक मांगने के लिए आए हैं तो हम खालिस्तानी आतंकवादी, ये कहाँ का कानून है? शपथ लेते हैं कि जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, वो पूर्ण रूप से अहिंसा के मार्ग पे चलता हुआ आगे बढ़ेगा। संयुक्त किसान मोर्चा इस आंदोलन से संबंध में जो भी फैसले लेगा उसका हम डटकर साथ देंगे बहुत बहुत धन्यवाद सब। यार एक रियन्ना ने इतना तहलका मचा दिया है, है? अब बताओ उसका नाम रियन्ना है, उसे रिहन्ना रियन्ना लोग पढ़ते हैं, समझ में नहीं आ रहा यार, है? रिहन्ना पढ़ते हैं उसको, है? वो क्या हो गया, कोई बोल नहीं सकता, क्या बताएगा? गजब यार, इन लोगों की खोपड़ी मुझे समझ में नहीं आती यार, है? इन गोबर भक्तों की है, है? दोस्तों जय यारों का मैं यार दोस्तों जय एक अमरीकी का मैं दुश्मन हूँ दोस्तों जय बोलो एक अमरीकी पॉप स्टार रियन्ना यारों का मैं यार हूँ दुश्मन भी देख के भागे। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? वही अरे मुझे मेरा व्लॉग बनाना है यार। ससुर जी अरे सुन रहे हैं मेरी बात को? मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे मेरा व्लॉग करना है, लेट हो रहा है, लेट। अच्छा प्लीज जरा आप जगह खाली कर दें यहाँ से, हट जाएंगे और आप इस तरह से बोलेंगे यहाँ पर गाना गाएंगे ना तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, मेरा दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा, मैं कैसे कैमरे की तरफ फोकस करूंगा? जाओ जाओ प्लीज आप जो है बाद में आ बाद में आ अभी मैं देख रहा हूं, प्लीज आप चले जाइए, प्लीज आप चले जाइए। अरे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मन की बात कर रहा हूँ, आज बड़े दिल से मन से गाना गा रहा हूँ और तुम मुझे यार बार बार परेशान करते हो। दामाद जी प्लीज जाओ यहाँ से। भाई व्लॉग, मैं व्लॉग की बात कर रहा हूँ, मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, कैमरा चल रहा है, कैमरा ऑन है, मुझे अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, प्लीज आप जगह खाली कर दो प्लीज। है बस इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे जैसे लोगों की संख्या जो है ना हमारे जैसे लोगों के घरों में बढ़ती जा रही है। लिबरल हो, लिबरांडू हो, सेकुलर हो, तुम जैसे लोग हमारे घरों पे जो है ना रोज बरोज जो है घुसते चले जा रहे हो, कब्जा करते जा रहे हो, समझे कि नहीं? माना कि आपका घर है लेकिन खाली तो कर दो प्लीज प्लीज। यारों का मैं हे महाराज, हे ससुर जी, मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना है भाई, लेट हो रहा हूँ मैं, लेट हो रहा हूँ, मुझे प्रोग्राम देने हैं, यूट्यूब पे वीडियो लगाने हैं, वही तो मेरी कमाई है यार, प्लीज छोड़ दो ना, जानते नहीं कंपनी ने पैदल कर दिया है, प्लीज छोड़ दो छोड़ दो, जगह तो खाली कर दो, मुझे अपना काम तो करने दो, पत्रकार आदमी हूँ यार, कुछ तो लिहाज करो। आ गए ना अपनी औकात में, कहा था ना कि इंग्लिश से लाइन के चक्कर मत पड़ना, उर्दू से निकल के हिंदी डिपार्टमेंट में बताना, और ना इंग्लिश से लाइन तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा, पूरे कंपनी में नहीं रहने देगा, समझ रहे हो बात को मेरी? देखिए मिस्टर गोबरचंद, अभी तो मैं आपका लिहाज सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मेरे ससुर हैं, ठीक है, और मैं आपका दामाद हूं, और आपकी बेटी से मुझे डरना होता ना तो मैं तो आपको यहां से धक्के मार के बेदखल कर देता, मुझे हमें आपकी आपकी औकात याद दिला देता, समझ रहे हैं आप? प्लीज आप मेरे जगह को खाली कर दीजिए यार, लेट हो रहा हूं मैं, प्लीज प्लीज। हाँ जोड़ रहा हूं, दोनों हाथ जोड़ करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जगह तो छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए जगह को। ये जो तुमने डिपार्टमेंट चेंज कराया है ना, ये सब उसी का है, डिपार्टमेंट चेंज करवाए हो ना आपने, है? उस समाज से निकल के इस समाज में आए हो, सोच लो, कहे थे ना कि चेंज मत करना। आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं, कौन इबलीस लईम है, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी आप बात कर रहे हैं, कहीं आप डिपार्टमेंट के बहाने आप मेरे पर्सनल मैटर में तो नहीं बोल रहे हैं, अपने बेटी और मेरे बारे में तो नहीं बोल रहे हैं आप? प्लीज देखिए आप इस तरह के चक्करों में ना पड़िए, मैं आपकी बात को ना समझ रहा हूं ना समझना चाहता हूं, प्लीज आप जगह खाली करो प्लीज, बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूं, और मैं अपना हक मांग रहा हूं यार, कोई भीख नहीं मांग रहा हूं, ये मेरा हक है, हक है मेरी रिकॉर्डिंग करना, यूट्यूब पर वीडियो बनाना, सोशल मीडिया पर बोलना, अपने व्यक्ति बोलना, जर्नलिस्ट हूँ यार, पत्रकार अब आया हूँ, प्लीज जगह खाली कर दो ससुर जी, अब आया मानो ना, आप तो अपने आदमी का कोई गैर तो नहीं, मैं किससे कहूँ? अच्छा प्लीज खाली, क्यों खाली कर दें, क्यों छोड़ दे जगह को? तुम्हारे व्लॉग व्लॉग के लिए हमने ठेका ले रखा है क्या? कायदे समझा रहा हूँ, सही से समझ से पेश आओ, सही से मेरी बात मान जाओ, वरना तुम्हारी छज्जा तोड़वा देंगे दामाद जी, समझ जाना, जानते नहीं किसकी सरकार है और ये घर किसका है तुम्हें पता नहीं है? सुनो ससुर जी, मिस्टर गोबरचंद, मैं कायदे से बोल रहा हूँ, कायदे से बोल रहा हूँ आपको, जगह खाली कर दो मेरा, है? वरना सोच लो अंजाम बहुत बुरा होगा, फिर मैं बुलाऊंगा उन्हीं को, है? उन्हीं को बुलाऊंगा, मैं सासू माँ को बुलाऊंगा, सासू अम्मा को,
फिर वो आपको अपने डंडे से सीधा कर देंगी, वो समझ में आ जाएंगे आप। खाली कर दो, किसे सासू माँ की धमकी दे रहा है जानता नहीं, किसकी सरकार है, अपनी सरकार है, अपनी अपना घर है ये, हमें मुझे मेरे सीट से हटाएगा, मेरे जगह से हटाएगा। तेरी सासू माँ को बोलकर मैं तेरे घर के बाहर जो है ना लंबी लंबी कील लगा दूंगा, बैरिकेडिंग लगवा दूंगा, बाड़ लगवा दूंगा। तू कंफ्यूज हो जाएगा कि ये तेरे ससुराल है या कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा, समझ में आ जाएगा। समझा ना मेरी बात को, अपने गांठे बांध ले तू। अरे गोबरचंद जी मान गया, ठीक है आपकी सरकार है, आपका घर है, लेकिन जगह तो मेरा ही है ना, मैं बरसों से यहाँ पे जो है अपना वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वीडियो रिकॉर्डिंग करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये मेरा मेरा अपना अधिकार है, अपना अधिकार, अपना मेहनत करता हूँ, अपने पैसे कमाता हूँ और अपना खाता हूँ, समझा। आप मेरी बात को समझिए, मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ आपको, प्लीज आप मेरा जगह जो है खाली कर दीजिए, वरना सोच लीजिए मैं यहीं धरने पे बैठ जाऊंगा, इसी यहीं पे धरने में बैठ जाऊंगा और जगह मैं तब तक खाली नहीं करूंगा जब तक आप मेरी मांग नहीं मान लेते। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, हम भी इंसान है यार, हमारे भी अपने ह्यूमन राइट हैं, हमारे भी अपने अधिकार हैं, आपको खाली करनी होगी जगह। मैं तेरा दाना पानी बंद करवा दूंगा, सोच ले तू, उसी में घिर के रह जाएगा, ना कहीं आ पाएगा ना जा पाएगा, ना तू इस पार आ पाएगा ना उस पार जा पाएगा। मैं तेरा नहाना यहाँ तक कि धोना भी मैं तेरा छोड़वा दूंगा, जो सुबह से धोता है ना वो भी छोड़वा दूंगा, समझा कि नहीं। प्लीज आप मेरा जगह छोड़ दो, मुझे रिकॉर्डिंग करनी, मेरा काम करना, मेरा लेट हो रहा है, और अगर आपने खाली नहीं किया तो मैं चिल्लाऊंगा, बिल्कुल मैं चिल्लाऊंगा, और तब तक चिल्लाऊंगा जब तक पूरी दुनिया से आवाज नहीं उठने लगती, दुनिया के कोने कोने से मेरे फेवर में, मेरे पक्ष में मेरी आवाज पहुंचेगी, लोग मेरी आवाज उठाएंगे दुनिया के कोने कोने से। समझ में आया आपको बात, आप समझ रहे मेरी? दुनिया समाज है किसको धमकी दे रहा है, है? किससे कहेगा, कौन बोलेगा, कौन होती है दुनिया मेरे मामले में बोलने वाली? ये मेरे घर का इंटरनल मैटर है, समझा? ये मेरे घर का इंटरनल मैटर है, जानता नहीं किसकी सरकार है, है? मेरे सामने नौटंकी करेगा, है? नहीं खालू करूंगा, जा जो करना कर लेना, खाली तो मैं नहीं करूंगा, जगह तो मैं नहीं छोड़ूंगा, जा। ओए गोबरचंद किसको समझा रहा है, पढ़ा लिखा आदमी हूं, कोई जाहिल नहीं हूं, दुनिया अगर बोल देगी तो उसका इंटरनल मैटर हो गया, आपका इंटरनल मैटर हो जाएगा, है? और तब आपका इंटरनल मैटर कहां था, है? तब आपका इंटरनल मैटर तेल लेने चला गया था, जब आप मेरे पड़ोसी के घर में गए थे और वहां जाकर के लगे कहने कि अब की बार मूत्रालय की सरकार, है? अब दूसरे के घर में मूत्रालय बने या शौचालय उसका आपसे क्या मतलब, वो भी तो उसका इंटरनल मैटर है। ओए और एक बात तो यहां मैं भूल ही गया, इंटरनल मैटर है ना, पर्सनल मैटर है ना, ये बात बताओ, जब मेरी शादी होने वाली थी तुम्हारी बेटी से, तब तुमने क्या कहा था, मैं छान छान के है तुम्हारे सात कर्म देखूंगा, तब तो तुम्हें मेरे कर्म याद थे, है? उस वक्त मेरे कर्मों की गिनती कर रहे थे। ये बताओ जब ये मेरा हक है, बालिग आदमी का हक है, तुम्हारी बेटी का, मेरा, कि हम अपनी पसंद से शादी करेंगे, मुझे ये बताओ कि इसका तुमसे क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं तुम्हारा उससे, वो भी हमारा, हमारा तुम्हारी बेटी का और मेरा जो है इंटरनल मैटर था। तब तो तुमने कहा था कि फलां से परमिशन लेकर क्या, क्यों भाई, वो भी तो हमारा इंटरनल मैटर था, पर्सनल मैटर, निजी मैटर, सीधे से कह रहा हूं, कायदे से मानो, वरना अब मुझे तुम्हारी बेटी को बुलाना पड़ेगा, फिर मैं देखता हूं उसके आगे तुम कैसे फड़फड़ाते हो, कैसे गाना गाते हो, समझ में आया? अरे जबकि बहुत से देखे तुम्हारे जैसे रोज आते हैं, रोज जाते हैं, इसको धमकी दे रहे हो, मैं यहीं बैठ जाऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा घर है, लेकिन फिर उसके बाद क्या करोगे, जब तुम्हारी बेटी आएगी तो तुम्हारे पास क्या जवाब होगा, सोचो, फिर तो तुम तिलमिलाते रहोगे, फिर तुम कहोगे कि आजकल के नौजवान कुछ सुनते ही नहीं, कुछ बात ही नहीं करते, अरे वो जमाना गया जब हम आंसू बहाया करते थे, रोया करते थे, तुम्हारे कर्जों, तुम्हारे एहसान के आगे जो है फांसी लगा लिया करते थे, वो जमाना बीत गया। ऐसा करो, तुम्हें अपनी जगह चाहिए ना, अरे ले लो, मैंने कब का ना किया है, मैंने कब कहा है, अरे हम तो अहिंसा के पुजारी हैं, अहिंसा के पुजारी हैं भाई, मानवता सर्वोपरि, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, बस इतनी ही अकड़ थी ससुर जी आपकी। मैंने तो समझा कि आप मुझसे लड़ेंगे, आप हमसे बातचीत करेंगे, तमाम तरह से आप हमारे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट को रोकने की कोशिश करेंगे, और आप तो नुकीलो कीलो वाली धमकी दे रहे थे,
बस इतनी देर ही अकड़ है आपकी, क्या करेंगे आपकी एरिकेटिंग बैरिकेटिंग और कंकरीले वाले सड़क रास्ते, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। हम नौजवान हैं, अपनी ताकत को पहचानते हैं, अपना हक रखते हैं, ये हमारा हक है और आपको जगह खाली करना होगा। खाली क्यों नहीं करेंगे, अधिकार है, संविधान है, प्रोटेस्ट है, सब कुछ हमारे पास है, आपके पास क्या है? बस एक झुंझुना, आपकी सरकार है, मेरा सरकार है, मेरी सरकार है, कुछ नहीं होगा इससे। अरे जगह खाली करो दामाद जी, अरे जो हुआ सो भूल जाओ, ये लो तुम अपनी जगह ले लो, ठीक है तुम अपनी जगह ले लो, लेकिन धमकी ना दो प्लीज, है लेकिन अब तो अपनी जगह ले लो। अरे मान जाओ यार, माफ करो, जी और जीने दो, जी और जीने दो, क्यों दिक्कत है, है? सबकी अपनी अपनी जिंदगी, अपनी अपनी लाइफ है, जियो जीने दो। हम तो जानते ही थे कि आप हर हाल में हमारी बात मानेंगे, आज नहीं तो कल, और जगह को खाली करेंगे, क्योंकि ये मेरा अपना राइट है, मेरी अपनी जगह है। इस पे मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा, नाचूंगा, गाऊंगा, खेलूंगा, कूदूंगा, क्या करूंगा या भोजन करूंगा, मेरी मर्जी रहेगी। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं आप हम लोगों से नहीं लड़ सकते। हम लोग वो हैं जो देश चलाते हैं, दुनिया चलाते हैं अपनी कलम के बल पर। लेकिन एक सवाल है, हम तो जानते ही थे कि आपको जगह खाली करनी ही पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। सवाल ये है कि आखिर इतनी नौटंकी क्यों, जब आपको हर हाल में झुकना ही था, तो फिर आखिर इतनी नौटंकी क्यों? सोचिएगा।